बोले सोनिहाल। सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब, सारे ही थोड़े शांति ना बह जाओ, पिछे देख सकेंगे। खालसा जी इत्थे आ जाओ जो अगे आ जाओ, कैमरे वाले भी बह जाने, थोड़े कैमरे वाले भी थले हो जाने, सारे कैमरे वाले भी। इधर भी संगत को बेनती है जी थले आराम नाल, आराम नाल। गुरु प्यारी सात संगत जी, गज के फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे शुभ दिहाड़े दी समूचे खालसा पंच नूं, पंजाबियों नूं, देशवासियों नूं लख लख वधाई दिंदे। खालसा पंच की सिरजना हुई जुल्म दे खिलाफ लड़न वास्ते। खालसा पंच एक ऐसी कौम है, एक मेहनत करने वाली कौम, ईमानदार कौम, जुल्म दे खिलाफ लड़न वाली कौम, जिदे विच दिलों सेवा भावना का जज्बा है। जिथे भी किसी इंसान नू कोई तकलीफ होए, अपनी खालसा कौम उत्थे जाके उदी बांह फड़दी है ते मदद करती है। दुनिया च किते भी चले जाओ, खालसा कौम ने, बहादुर सूरमिया ते बीबियां ने अपना नां कमाया है। ऐ जे मुल्क कैनेडा वर्गे जिथे सेंटर उन्हां दीआं सरकारां दे पंज पंज छे छे मंत्री अपने भैण भरा है। दुनिया च किते चले जाओ, कोई सिख मंगदा नहीं देखोगे, दिंदा देखोगे। आ सारा कुछ आपां नूं गुरु गुरुआं ने दिता है। खालसा पंथ की जो अरदास आप करते हैं, आप सरबत के भले की अरदास करते हैं, क्योंकि साड़ी सोच सारे वास्ते, सारे दी खुशियां वास्ते, सारे दी चढ़ती कला वास्ते होंदी है। श्रोमणी अकाली दल SGPC का गठन भी तकरीबन 100 साल पहले होया। SGPC का गठन इसलिए होया क्योंकि उस टाइम के जो महंत सी, जो गलत काम करते, मर्यादा भंग करते, कौम नूं बर्दाश्त नहीं सी, ते अपने खालसा पंथ दे लीडरशिप कट्ठी होई। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन किया। जो गठन किया उन्होंने उदों ही फैसला कर लिया कि एक सिख पंथ की एक फौज की लोड़ है, जिहड़ी कौम की लड़ाई लड़े, कोई मुश्किल आए उहदा टाकरा करे। तो उन्होंने एक महीने बाद श्रोमणी अकाली दल का गठन किया। 100 साल पुरानी पार्टी श्रोमणी अकाली दल, थोड़ी मां पार्टी, किसी की जायदाद नहीं, आ कौम की जायदाद है, कौम इहदे वारिस है। तो श्रोमणी अकाली दल ने जो कौम वास्ते जो भी जो लोड़ आई अगे होके लड़ाई कड़ी, देश में कोई संकट होया तो श्रोमणी अकाली दल ने उस संकट का सामना किया। आ अपनी एक मां है पार्टी, आ कोई बादल परिवार की जायदाद नहीं, आ थोड़ी जायदाद है, थोड़ा विरसा है, थोड़े बुजुर्गों ने खून पसीने नाल बनाई पार्टी है। बहुत ताकत जड़िया पंथ विरोधी ताकत, उन्हों का निशाना एको एक है,
कि खालसा पंथ की इस फौज नूं कमजोर किया जाए। ऐ जीआं गल्लां करनगे, ऐ जे प्रचार करनगे, क्योंकि उन्होंने प्रचार करन कोले उन्हां कोले साधन बहुत वड्डे है। ऐ जीआं एजेंसियां लगियां, ऐ जे लोग लगे है जिहड़े 24 घंटे निशाना है कि श्रोमणी अकाली दल नूं बदनाम किया जाए। गुरु घर की सेवा करन वाली पार्टी, गुरु घर की संभालन वाली पार्टी, गुरु घर की मर्यादा कायम वाली करन रखने वाली पार्टी नूं कहिंदे आ बेअदबियां कीतियां इन्हां ने। किहड़े लोग कहिंदे आ, किन्हां ने प्रचार किया, जिन्हां ने टैंकां तों पहलां दरबार साहब ते हमला किया, किन्हां ने प्रचार किया, जिन्हां ने हजारां सिख भैन भरां नूं कतलेआम किया, किन्हां ने प्रचार किया, जिहड़े आप सिख धर्म की मर्यादा नहीं जानते, ऐ जी लोग ऐ जे अपने आप नूं पहरावा पा के कहिंदे असीं संत हैं, महापुरख हैं, पर हुण क्यों नहीं दिखाई दिंदे? जदों पिछे जे दरबार साहब जो गल होई उदों क्यों नहीं आवाज उठाउंदे? पिछले 5 साल जो घटना अपनी कौम नाल होई उदों क्यों नहीं आवाज उठाई? क्योंकि सारे इक्को इक टीम है। वह लगातार उही चीज नूं बार बार दोहराउंदे रहिंदे आ, बार बार दोहराउंदे रहिंदे आ उन्हां नूं, क्योंकि उन्हां नूं पता है कि पंजाब विच काबज उदों तक रहणगे जदों आपां अकाली दल नूं कमजोर रखांगे। पर अकाली दल नूं कोई कमजोर नहीं कर सकता। श्रोमणी अकाली दल पंथ दी नुमाइंदा, जिवें गुरु साहब ने कहा है, मेरा एक खालसा 1.25 लाख वर्गा है, आ दल खालसे की लखां की फौज है, इहदा मुकाबला कौन करूंगा? मैं इक्को एक बेनती करना चाहना है, पिछले 7-8 साल थोड़ी पार्टी के खिलाफ बहुत गलत प्रचार, झूठा प्रचार किया, हले भी नहीं हटते। उन्होंने पता है कि अगले 2027 च गल आई फिर भी अकाली दल का मौका मिलू, हले भी रखो इन्हों थले। हुण चाहते हैं जिवें इत्थे मलूका साहब ने पहले गल की, ताकतां चाहुंदियां कि आ जिहड़े गुरु घर है वापस असीं कंट्रोल करिए, क्योंकि ताकत ही कौम दी अपनी कमेटियां, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते दिल्ली कमेटी, आ सारा जिहड़ा अपना सिस्टम अपनी कौम की ताकत है। आ ताकत नूं अपने हाथ च करना चाहुंदे है। तुसीं देखे महीना पहले किवें सेंटर दी सरकारां ने दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते कब्जा कर लिया, हुण उन्हां दी निशाना श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते। वो चाहते हैं कि आपां कंट्रोल कर लिए, फिर खालसा पंथ कुछ नहीं कर सकूगा जो असीं लत्तां बाहां सारियां बन लिया। कि आपां इन्हां दी साजिश कामयाब होण देवांगे? कुछ भी होए, कमी मेरे च हो सकती है, कमी मलूका साहब च हो सकती है, पर कमी अकाली दल च नहीं है। आ थोड़ा अपना घर है, कौम दा विरसा, कौम दी जायदाद है। अज जो भी कदे आवाज हुंदी है, जे किसी भी अपने भैन भरावां नूं कोई समस्या आउंदी है, कोई केजरीवाल नूं टेलीफोन नहीं करता, कोई अमित शाह नूं टेलीफोन नहीं करता, कोई सोनिया गांधी नूं टेलीफोन नहीं करता, या सुखबीर सिंह बादल प्रधान श्रोमणी अकाली दल नूं करनगे, या धामी साहब जो एचईवीसी दे प्रधान उन्हां नूं टेलीफोन करनगे। अज अमरीका च अपने सिख भरावां नाल बहुत माड़ा हादसा होया कि केजरीवाल ने गल की, कि भगवंत मान ने गल की, नहीं करनी नहीं इन्हां ने। जो सिक्किम गुरु घर की समस्या आई साढ़े को आए, असी जाके लड़ाई लड़ी तो समस्या हल कराई। नागालैंड मणिपुर च अपने भैन भरावों कढ़न लगे सी, असी लड़ाई लड़ी। इस करके मैं आई बेनती करना है, आप ज्यादा सीधे साधे बहुत है, अपना दिल साफ है, आपू इन्हों दा पेच नहीं आते, आप झूठ नहीं बोल सकते। आ जिहड़ियां ताकतां झूठ बोलदियां, गुटका साहब दी झूठी सौं खा के इन्हां नूं कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं।
अज मैनू कहना नहीं चाहिदा सी, पर मैं क्योंकि साडा पंजाब दा मुख्यमंत्री है, मैनू अज कहना नहीं करता पर चाहिदा सी, पर मैनू अज दुख लग्या। तामी साहब, अज पंजाब दा मुख्यमंत्री दमदमा साहब मत्था टेकन आए ते शराब पीती होए, ये तो माड़ी गल की हो सकती है? क्योंकि उन्होंने मर्यादा का पता नहीं। तुसीं उहदे सुन लो टीवी किवें डक्या शराब का की आ। पर मैं अज सोचा सी कि मैं अगले 6 महीने कुछ बोलना नहीं, क्योंकि पंजाब की जनता ने उन्होंने मौका दिता। मैं भी चाहना कि उन्होंने मौका दिता है, जो करना कर लैन, घट तो घट एक इंसान नूं पार्टी नूं मौका दिता है। पर आ गल बर्दाश्त नहीं हुई कि जी अपने गुरु घर की मर्यादा भी पहले भी थोनू याद होना, जो मुख्यमंत्री नहीं सी तक श्री दमदमा साहब शराब पी के आए सी। एक इत्थे बरगाड़ी उदो मोर्चा भी लग्या सी, उत्थे भी शराब पी के स्टेज ते चले गए ते उत्थे भजाया। पर हुण तां मुख्यमंत्री है, हुण तां एक जुम्मेवारी पंजाब नहीं देश देख रहा, दुनिया देख रही है। आ तां हालात है। देखो एक झूठा प्रचार किया कि एक मौका दे दो सानू, एक मौका, अगली बार नहीं मिल लवेंगे मौका। आ तरीका की सी ठगी मारन दा, जिवें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुड़का साहब के हाथ रख के कहा 100 खा ली कि मैनू 100 खाना है कि मैं पूरी करूंगा। जेडे लोग 100 खाते है ऐसी गल करते एक मौका, वह मतलब ठगी मारना चाहते है। हुण तुसीं देखिया होना है आ केजरीवाल तो भगवंत मान हिमाचल च गए, हिमाचल हले हफ्ता ही होया, केजरीवाल स्टेज पर जाके की कहता हिमाचल च, कहता जी देखो मेरे नाल भगवंत मान जी बैठे है, एक हफ्ते च इन्होंने पूरे पंजाब करप्शन खत्म करती। हुण बेचारे हिमाचल वाले भोले पाले जिवें पंजाब दे भोले सी, हिमाचल वाले सोचे होना अच्छा एक हफ्ते च करती, नाले उत्थे आके की कहिंदे कि जी एक मौका सानू दिओ, अगली बार तुसीं सानू वोट ना पाओ, एक मौका। ओही जाके गुजरात च कहता है, कहिंदे कुछ है, उन्हूं पता है कि एक बार दाल लग जाए। हुण तुसीं जिहड़े मैं मेरा मन नहीं सी, पर मैं तुहानूं इक दो चार चीज़ां जिहड़ी मैनूं बड़िया हैरानी होई जो हो रहा है पंजाब पिछले 20-25 दिनों के अंदर, कितने मैं सुनिया नहीं। बहुत सरकारां देश में सारिया सरकारां बनिया, कांग्रेस की सरकारां ही बनिया, बीजेपी दियां सरकारां बनिया, दूजी पार्टी दियां भी सरकारां बनिया, पर कोई मुख्यमंत्री अपने प्रधान कोले जाके हर फैसले नहीं करवाउंदा। मुख्यमंत्री चुनिया गया सर भगवंत सिंह मान, केजरीवाल नहीं। मैनू बड़ा हैरानी होई जो मैनू दसिया अफसर ने कि केजरीवाल मीटिंग सजदा दिल्ली, जिथे मुख्यमंत्री नहीं हुंदा ना कोई मंत्री होए, केड़े डीसी लगे है, सारे डीसी फैसले केजरीवाल ने किए, भगवंत मान ने नहीं। जेडे एसएसपी लगे है फैसला केजरीवाल ने किए है, भगवंत मान ने नहीं। मीटिंग अफसर उत्थे जांदे है, पंजाब दे गवर्नर ने आ 3 दिन पहले चिट्ठी लिखी चीफ सैकटरी नूं कि मैं बॉर्डर एरिया से जाना, कि बहुत लॉ एंड ऑर्डर तो खराब है, मैं चाहना कि चीफ सैकटरी मेरे को नाल चले। चीफ सैकटरी ने अपने पंजाब के गवर्नर ने कहा कि जी मैं थोड़े नाल नहीं जा सकता, मैं केजरीवाल साहब ने बुलाया, कोई पंजाब के असी फैसले करने हैं। यार आ हालत अपनी, आ हालत है, अपने फैसले भी अपने लोग नहीं कर सकते। आ जिन्ने इन्हों के मंत्री बने हैं, एक एक ओएसडी अफसर दिल्ली उन्होंने लाता, एक एक उन्होंने की फैसला होना है, पहले वह फाइल पढ़ते हैं। आपां मौका देता, कहिंदा एक मौका दे दिओ, मौका देता ऐसा मौका मैं लगता इतिहास किसी सूबे की जनता ने नहीं दिता होना जिवें दिता है। आ पंज राज्यसभा के मैंबर जाने सी, पंज राज्यसभा के मैंबर जाने सी, आम आदमी पार्टी की कहती सी असी रिक्शे वालों को बनावांगे राज्यसभा मैंबर, रेहड़ी वालों को बनावांगे, रेहड़ी वाले तो रिक्शे वाले छड्डो, पंजाबी नहीं बनाया कोई।
50-50 करोड़ रुपया लैके राज्यसभा दी सीटां जान पैसे वड्डे वड्डे इंडस्ट्रियलिस्ट की इहनूं आम आदमी पार्टी कहिंदे उत्थे जाके जिवें हरसिमरत जी ने दस्सिया अपने चंडीगढ़ की गल आई अपने सारे कानून बदल दिते चंडीगढ़ के कब्जा सेंटर सरकार लगी हरसिमरत ने आवाज उठाई पार्लीमेंट पर पंजे इन्हां दे जिहड़े राज्यसभा मैंबर बोले नहीं जदों पानियां दी बीबीएमई दी गल आई हरसिमरत ने उत्थे आवाज उठाई पर आम आदमी पार्टी के पंजे राज्यसभा मैंबर बोले नहीं जदों बंदी सिंघां नूं छुड़ाउण दी गल आई आम आदमी पार्टी के मैंबर बोले नहीं एक गल नहीं कही कि आ बदलाव आपां सोचा सी हुण सारी चीज़ां च मुकरी जांदे मैं कल अखबार पढ़ रहा सी मैनू दिल्ली दे एक बंदे ने दस्या पंजाब पुलिस दे 90 कमांडो हुण दिल्ली भेज दित्ते गए है मुख्यमंत्री केजरीवाल की सुरक्षा वास्ते पंजाब पुलिस दे आपां धनका दईए जे केजरीवाल ने हिमाचल जाना है हैलीकॉप्टर पंजाब का जाए खर्चा अपना होए जे उन्हें गुजरात जाके इलेक्शन लड़ना है खर्चा अपना होए आम आदमी पार्टी दे सोच सी कि असी आ करांगे एक मौका दे के हुण इन्हां दे आ की कहिंदे हुंदे सी कि जी बादल पर आज सरकार ने बिजली पता नहीं किन्ने वड्डे थर्मल प्लांट लाते आ थर्मल प्लांट जिहड़े लाते आपां लाते उन्होंने बचाया 2 रुपये 90 पैसे यूनिट बिजली इत्थों पैदा हुंदी है ते अज की कर रहे आम आदमी पार्टी किन्ने दी ले रहे है 20-20 रुपये 25-25 रुपये यूनिट बिजली ले रहे है ते मैं तो पंजाबियों नूं अज मैं तुहानूं पहले ही दस देवां आ गर्मियां तुसीं पहले ही जनरेटर ते इनवर्टर ते पखे पुखे हुणी खरीद लो महंगे हो जाणगे बिजली नहीं आनी थोड़े घरां च मैं अज भी नहीं आनी अगले 4-5 साल जिन्ना तक आम आदमी सरकार है इन्होंने नहीं आनी क्योंकि इन्हों की ना इन्होंने कोई ना पिछले 5 साल कांग्रेस ने कोई थर्मल प्लांट लाए या कोई सोलर प्लांट लाए जिदे करके बिजली दी आम जिवें वधदी रहिंदी उहदी पूरी खुराक कीती जाए ना इन्होंने कुछ करना है तो हालत अपना वह हो जाना जिहड़ा 10-15 साल पहले सी इस करके मैं आई बेनती करना चाहना है श्रोमणी अकाली दल एक बहुत तकड़ी पार्टी है कोई घबराने की लोड़ नहीं जित हारां तां हुंदियां रहिंदियां मैनू वड्डे बादल साहब कोल बैठा जदों रिजल्ट आई जांदे ते मैनू कहन लगे कहिंदे एक दिन एक बार साडा बाय इलेक्शन सी ते अकाली दल का उम्मीदवार हार गया ते असी काउंटिंग तो बाहर आ रहे ते बादल साहब कहन लगे कि उत्थे साडे नाल एक निहंग सिंह सी ओह जकारे छड्डी जाए उच्चे बार बार जकारे ते बादल साहब नूं उन्हां नूं कहा निहंग सिंह जी नूं कि असी तां हार गए ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੱਤਿਆ ਖਾਲਸਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਤੇ ਹਾਰਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਤੇ ਵਰਗਾ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ 16-16 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੱਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਧੱਕਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿ ਡਰਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੂੰਗਾ ਆ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੜਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਦੇਣ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਉਹ ਸੋਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਊਚ ਨੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਲਿਆ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਐਤੀ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 500 ਰੁਪਇਆ ਬੋਨਸ ਕੁਇੰਟਲ ਮਗਰ ਮੰਗਦਾ, ਬੋਨਸ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹ ਮਰਦੇ ਵੱਢਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਰਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ 700-800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਬੋਨਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।